अभी हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं देश के गंभीर मुद्दों पर सबसे बड़ी बहस का सबसे बड़ा शो शंखनाद, साथ आपके मैं शालिनी कपूर तिवारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। वर्धमान पहुंच करके नड्डा ने मंदिर दर्शन किया, ऐलान भी यह कर दिया कि अब ममता बनर्जी की सरकार का जाना तय हो चुका है। बंगाल में बीजेपी ने एक मुट्ठी चावल अभियान का प्रयोग भी किया है। क्या एक मुट्ठी चावल बंगाल विजय का हथियार बन पाएगा? क्या एक मुट्ठी चावल बंगाल की राजनीति को पलट कर रख देगा? इसी पर बात हम करेंगे। साथ ही क्या बंगाल में संविधान बिखर चुका है और राष्ट्रपति शासन लगाना ही अब एकमात्र समाधान बचा है, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी टीएमसी के खास मेहमान जुड़ेंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ होंगे। इसके अलावा हमारी सहयोगी भी जो लगातार बंगाल कवरेज कर रही है उनसे भी हम चर्चा करेंगे, तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, बहस की शुरुआत करेंगे, शंखनाद करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट। बीजेपी का वोट भात दीदी को मात। बंगाल में बीजेपी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और ममता बनर्जी के लिए नई मुसीबत का दिन है। काफिले पर हुए हमले के एक महीने बाद जेपी नड्डा दोबारा से बंगाल की भूमि पर हैं। वर्धमान में नड्डा ने मंदिर दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और अपने काफिले के साथ बंगाल विजय अभियान पर निकल गए। नड्डा ने ऐलान, कल से ममता का जाना तय हो गया। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चू गई खेत। ममता जी, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना ये तय हो चुका है। ये बात प्रभात दिल्ली में गवर्नर सख्त, बंगाल में नड्डा छीनेंगे तक। एक समय वर्धमान में सीपीएम का राज हुआ करता था, टीएमसी ने सीपीएम को उखाड़ फेंका और तब से यहां की 16 में 14 सीट पर ममता का राज है। इस बार बीजेपी की धमक से ममता बनर्जी को डर लगने लगा है। बंगाल के साथ दिल्ली में भी बीजेपी ने ममता सरकार को घेर लिया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा और हत्या की घटनाओं पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और अमित शाह की मुलाकात हुई। एक तरफ बीजेपी किसानों को साध रही है तो वहीं बंगाल में सियासी हत्याकांड पर बड़ा एक्शन लेने की प्लानिंग में है। बंगाल में सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी टीएमसी में पहले ही सेंध लगा चुकी है और अब किसानों के चावल से बीजेपी की सियासी खिचड़ी पक रही है। इसी पर आज की बड़ी बहस शंखना, बंगाल में बिखरा संविधान, भारत माता के, राष्ट्रपति शासन समाधान। तो शंखनाद की हम शुरुआत कर लेते हैं और देखिए जेपी नड्डा की लगातार तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। रोड शो उनका शुरू हो चुका है और इसके अलावा देखिए ये जो रोड शो है उसमें भारी प्यार भी मिलता हुआ जेपी नड्डा को दिखाई दे रहा है। क्या इन तस्वीरों को देख करके ममता बनर्जी कहीं हिल तो नहीं गई है? इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, पर्चे फटाफट आपका करा दूं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक एसके दत्ता साहब भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक रमनीश वत्स भी जुड़ चुके हैं, इसके अलावा प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, सोमनाथ रॉय टीएमसी समर्थक और विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता, इन सब से भी चर्चा होगी, बात होगी। लेकिन शुरुआत आपके साथ मैं कर रही हूं अर्जुन सिंह जी, ये एक मुट्ठी चावल की जो शुरुआत हुई है लग रहा है पूरे पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं उनका साथ मिल पाएगा और इसके साथ साथ पूरे भारत तक संदेश आप पहुंचा पाएंगे, पूरे भारत के किसानों तक। देखिए, हमारे पार्टी के नेता नड्डा जी ने ये जो एक मुट्ठी चावल की शुरुआत की है, ये किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान सम्मान निधि दिया, जिसका बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने उसको देने नहीं दिया, अभी तक नहीं दे पाई। उनका कहना था कि आप हमें दीजिए, हम लौटाएंगे, हम उनको देंगे। इससे बहुत सारे किसानों को बहुत सारी परेशानियों, करीब 70 लाख से ऊपर हमारे यहाँ किसान हैं और किसान परेशान भी हैं क्योंकि यहाँ किसकी ज़मीनें कब दखल कर ली जाती है, झंडा लगा के यहाँ दखल कर लिया जाता है। यहाँ का यहाँ की परंपरा है, वामपंथी भी दखल करते थे, ये लोग भी दखल करते हैं।
लोगों को खासकर किसानों को बहुत सारा समस्या यहाँ बंगाल में सरकारी तौर से किया जाता है। और ममता बनर्जी आंसू रो रही हैं किसान आंदोलन का, जबकि बंगाल में किसान सम्मान निधि नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे पार्टी ने ये सारे किसानों को जोड़ने के लिए, पार्टी से जोड़ने के लिए, केंद्र सरकार की नीतियों से जोड़ने के लिए हम उनके घर घर जाकर, ठीक है अर्जुन जी, घर घर जाकर किसानों की आप बात करेंगे आपने कहा, लेकिन सवाल यहाँ पर यही हो रहा है, सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि जो दिल्ली में किसान बेघर हो गया है उस तक तो बीजेपी पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन इतनी फुर्सत है कि पश्चिम बंगाल में जाकर के वहां के किसानों से घर घर मुलाकात हो रही है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। सर देखिए, मैं खुद सांसद हूं और जिस दिन ये बिल पेश हुआ था उस दिन मैंने देखा था कि जो लोग आज ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये आंदोलन को ऑर्गेनाइज किए हैं, उस दिन इनके बड़े नेता कोई भी एक शब्द भी इस किसान के बिल के ऊपर उनका कोई भी वक्तव्य नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने के सरकार ने इसको पेश किया और ये सफलतापूर्वक पास भी हुआ। कांग्रेस के ना राहुल बाबा कुछ बोले, ना हमारी सोनिया गांधी जी बोली, तृणमूल वाले तो छोड़ ही दीजिए इनको, तो ये तो रहते ही नहीं है। तो आज ये पूरे ये जो एक इनका एक सर्किल है जो मंडी में बड़ा व्यवसाय इनका चलता है, मंडी से इनकी आय होती है, 8.5% टैक्स पंजाब में है, आपको हरियाणा में 6.5% है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत लाभ और सुविधा के लिए, ठीक है व्यक्तिगत लाभ के लिए, सोमनाथ रॉय देखिए इसके पहले भी अर्जुन सिंह ने यही कहा कि ममता बनर्जी बार बार कह रही थी पैसा आप हमें दे दो तब हम किसानों को देंगे, मतलब किसानों का भला नहीं खुद का भला, बस यही करना है टीएमसी को। चलिए सोमनाथ जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लीजिए जेपी नड्डा और किस तरह से वहां पर भारी भीड़ और हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है वो भी इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है लगातार। विवेक श्रीवास्तव आपका भी मैं रुख कर रही हूं क्योंकि देखिए बात तो विपक्ष की हो रही थी, अर्जुन सिंह ने जो जवाब दिया है वो पूरे विपक्ष के लिए दिया है कि किसानों का भला नहीं करना है, बीजेपी की नजर पूरे देश के किसानों के ऊपर है, उनके भले के ऊपर है, लेकिन विपक्ष को सिर्फ अपना हित साधना है। और जेपी नड्डा पहुंचे हुए वहां कितना भारी जनसंख्या और लोगों का प्यार मिल रहा है वो भी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, प्यार व्यार में टंकी और वो चावल और इससे क्या होने जा रहा है, मेरे बैठा है वार्ता हुई है 8 तारीख को, सारा मीडिया डिस्कस कर रहा था क्या होने जा, 15 तारीख को फिर वार्ता होगी, 26 तारीख को फिर से ट्रैक्टर उतरेंगे, तो उसको सॉल्व करने के बजाय और कहीं ना कहीं दो कदम पीछे उठा के आप किसानों को इज्जत दीजिए, ये करने के बजाय आप बंगाल में जाकर चावल दाल करने बैठ करके, तो ये विरोधाभास बातें हैं। ये सरकार किसान फ्रेंडली तो है नहीं, ये तो पहली बात, ये कॉरपोरेट फ्रेंडली है, टूट फूट की सरकार और अंबानी अडानी का बिल जो हम हमेशा कहते हैं इसे विपक्ष नहीं है, ये गवर्नमेंट और फार्मर के बीच की बात है और कोई भी विपक्ष इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है कि अगर सरकार आ रही है और जनता उससे खुश हो तो वो पक्ष कुछ नहीं कर सकता है रूलिंग पार्टी। अब यहां पे इनके नहीं है, लेफ्ट ने बंगाल के अंदर लैंड रिफॉर्म मूवमेंट सबसे ज्यादा करी, सबसे ज्यादा हमने भूदान टाइप के आंदोलन करे, सबसे बड़े जमीनों को जमींदारों से लेकर के छोटे टुकड़े करके हमने मैं लौटूंगी विवेक श्रीवास्तव आपके पास लौटूंगी और आपके सवाल का जवाब भी मैं अर्जुन सिंह जी से ले लूंगी, लेकिन सोमनाथ रॉय तक फिर से एक बार आवाज पहुंचने लगी है तो सोमनाथ जी का भी मैं रुख कर लेती हूँ। सोमनाथ जी देखिए आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहा है, ये जो किसान सम्मान निधि है इसका ख्याल भी चुनाव के ठीक पहले आपको आया, अगर किसानों का भला ही करना होता लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है तो फिर पहले दिन से किया होता। सोमनाथ रॉय सुन पा रहे आप मुझे? हेलो सोमनाथ जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी मिल रहा है, आवाज मिल रहा है अभी। हाँ बोलिए सोमनाथ जी। बीजेपी लगातार किसानों को साधने की कोशिश कर रही है, आपके तो अपने भी बिछड़ गए, अब ये अगर 73-75 हजार किसानों तक पहुंच रही है बीजेपी तो कहीं ना कहीं चोट आपको ही लग रही है और वो भी खास करके वो किसान जो पहले से ही टीएमसी से नाराज है। नहीं देखिए, पहले तो सबसे अच्छा चीज है जेपी नड्डा जी ने बंगाल को किसान को चुना दान लेने के लिए, क्यों उनको भी मालूम है, बीजेपी पार्टी को मालूम है, खाने का बाद
बेचने का बाद दान करने के लिए कुछ है तो वो बंगाल में रहने वाले किसान को ही है और किसी का पास नहीं है, इसीलिए उन्होंने बंगाल को चुना है। ये दान लेने के लिए उनको पता है ये दान मिलेगा तो बंगाल में रहने वाले किसान को पास से ही मिल सकते हैं। और एक बात बताइए ना, ये सब किसान निधि वगैरह वगैरह बात कर रहा था, किसान निधि नहीं मिला फिर भी बंगाल में किसान का आय 3 गुना वृद्धि हुआ, ज्यादा हुआ। और जिन लोगों को किसान वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का किसानों को जो हेल्प मिल रहा है 6,000 रुपीज करके, वहां पर देखिए हर रोज सुसाइड कर रहा है किसान। बंगाल में दीदी आने का बाद एक भी किसान सुसाइड नहीं किया। फर्क इसमें होते हैं, मोदी जी को सीखना चाहिए। क्या जा रहा था सर, 6,000 रुपए अगर और किसान को मिल जाता तो उसमें क्या कष्ट था? आप तो भला कर ही रहे ना किसान का, उसमें 6,000 उसको और मिल जाता, उसमें क्या दिक्कत? राइट, नहीं नहीं दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई भी आप ये किसान को 6,000 रुपया देंगे और बोलेंगे किसान का जो भी डेवलपमेंट जो भी आगे बढ़ रहा है ये 6,000 रुपया के लिए बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। ममता बनर्जी आने का बाद किसान का आय 3 गुना ज्यादा, आपने हक छीना, 3 गुना ज्यादा, आपने हक छीना किसानों का 6,000 रुपए का, सवाल ही नहीं है। लेकिन जो डाटी पॉलिटिक्स बीजेपी वाले करने के लिए कोशिश कर रहा था उसको रुका हम। अर्जुन सिंह जी डाटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग। एक मिनट, अभी मैं बता रहा हूँ आज जेपी नड्डा जी ने क्या बोला, अगर पावर में आएगा तो इसका बाद वो लोग किसान को 18,000 रुपया करके देंगे। आज बोला है जेपी नड्डा जी पावर में आने का बाद 18,000 मिलेगा किसान को, ऐसा थोड़ी होता है। बंगाल को किसान ये पावर में आने के बाद ही तो मिलता है, पहले भी कोई सरकार दे देती है क्या? विपक्ष दे देता है क्या पैसा? आप क्या बात कर रहे हैं सर, जब सरकार में कोई आएगा तभी तो देगा ना। बीजेपी की सरकार बन जाएगी, टीएमसी अगर विपक्ष में बैठेगी तभी आप किसानों को पैसा देंगे, उनके खाते में पैसा डालेंगे? अर्जुन सिंह जी से जवाब मुझे आप लेने दीजिए। अर्जुन जी डर्टी पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। सोमनाथ दादा को डर्टी पॉलिटिक्स शायद वो टीवी में बैठते बैठते डर्टी पॉलिटिक्स किसको कहते हैं इनको समझ से बाहर हो गया है। डर्टी पॉलिटिक्स से बंगाल में अगर किसानों को पैसा मिलता है तो इसमें डर्टी पॉलिटिक्स कहां से आ गई? अगर एक परिवार में 4 आदमी के नाम से जमीन है तो एक परिवार में 24,000 रुपया मिलता है। बिहार उत्तर प्रदेश के किसान इसका लाभ उठा रहे हैं और सोमनाथ जी का अपना ईगो है, ममता बनर्जी का अपना ईगो है, इसलिए निर्णय नहीं दे रही है। अब ममता बनर्जी बोल रही है कि हमको दीजिए हम देंगे, अब बोल रही है कि ना हम लेंगे, तो ये ममता बनर्जी का डर्टी पॉलिटिक्स टाइमिंग है क्या? एक समय एक घंटा में कुछ बोलेंगे, दूसरे घंटा में कुछ बोलेंगे, तीसरे घंटा में कुछ बोलेंगे। हमारे लेफ्ट के भाई बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा वो भूदान लेफ्ट ने किया है, भूदान करके और जमीन दखल कर लेते थे। और लेफ्ट का तो हमेशा का काम है टुकड़े टुकड़े भारतवर्ष का टुकड़े टुकड़े करने वाले के पीछे खड़े होते हैं। लेफ्ट का आंदोलन बंगाल का ये हालत था कि लोगों को कत्ल करके उनकी माँ को खून पिला दिया जाता था, हाथ काट लिए जाते थे, किसानों को सबसे ज्यादा मारे जाते हैं, खून पिला दिया जाता था। लेफ्ट वाले तो अजीब बात करते हैं और ये सब कर रहे थे तब आपका लीडर का नाम दादा इसको रोकने के लिए कौन कोशिश कर रहा था? इसको रोकने के लिए कौन कोशिश कर रहा था? आप इसका लीडरशिप में कब आया था? आपको किसका पास करने पर तब आपको ममता बनर्जी के पास ही जाना पड़ा जो खुली थी। आज हम बराबर बात कर रहे हैं लेकिन उसके आए बात में ममता बनर्जी का दरवाजा खाते ने हाथ जोड़ करके खड़ा रहना पड़ते थे। ममता बनर्जी का घर का सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहना पड़ते थे। अरविंद सिंह जी अभी बराबर बात कर रहे थे सीपीएम का टाइम भी बीजेपी के पास है। आपने खुद को बचाने के लिए कि ममता बनर्जी का घर का सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहना पड़ते थे और आपके राज्य में विधायक सुसाइड कर रहा है, वो विधायक किसान नहीं। अरे छोड़िए छोड़िए, आप लोगों ने ठीक है मैं लौटूंगी। अर्जुन सिंह जी, सोमनाथ रॉय, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। प्रेम कुमार जी, एक मुट्ठी चावल का जो प्रयोग हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, जनता से कनेक्ट होने के लिए तो ये बहुत अच्छा पॉलिटिकल अभियान है कि जनता के बीच एक राजनीतिक दल जाए, और ये परंपरा किसी जमाने में पॉलिटिकल पार्टीज एक नोट एक वोट करती थी, आज चावल मांग रही है। तो लेकिन इसका ये प्रतीकात्मक जो अभियान शुरू किया गया है, निश्चित रूप से उस आंदोलन का दबाव है जो हिंदुस्तान में किसान चला रहे हैं। और ये आंदोलन जो चल रहा है, 60 लोग किसान मारे जा चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसान दिल्ली में आकर के अपनी जान दे रहे हैं। जान से ज्यादा तो कोई चीज दे नहीं सकता कोई, लेकिन उस पर अगर संवेदनशीलता दिखाने के बजाय, उनके पास जाने के बजाय, आज तक कोई भी सेंट्रल लीडरशिप जो है किसानों के बीच में नहीं गया है, बातचीत जरूर चल रही है, तो वो संवेदनशीलता नजर नहीं आती। जो संवेदनशीलता वो दिखाना चाहती है पश्चिम बंगाल में, एक रोटी चावल लेते हैं। आप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाए वहां दिल्ली के बॉर्डर पर, इसमें बुराई क्या है? नुमाइंदे जो है वो ही तो बात करने जा रहे हैं ना, इन किसानों ने उन्हीं 48 शहरों को आगे किया है कि अगर बात तो चल रही है, अगर किसान पंजाब से चल के दिल्ली आ सकता है तो प्रधानमंत्री वहां से 2-4 किलोमीटर चल के जाए तो इसमें बुराई क्या है? देश के किसानों को छोड़ दिया जाए, अगर कृषि बिल को लेकर के देश के किसी हिस्से में कोई अगर किसान नहीं समझ पा रहा है, तीनों कृषि कानूनों को नहीं समझ पा रहा है, बाकियों को छोड़ दिया जाए, समझ सरकार नहीं रही है या समझ किसान नहीं रहे, ये तो एक डिबेट का विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री जहां दिल्ली में मौजूद है वहां 60 किसान जान दे रहे, छोटी मोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या हमारे प्रधानमंत्री का दिल नहीं पिघलता? जवाब दीजिए, फिर मुझे दूसरे गेस्ट के पास जाना है, जल्दी शॉर्ट में। हमारे प्रेम कुमार जी बड़ी अच्छी बात है। अर्जुन सिंह जी, पहले बताइए सीपीएम के टाइम में आप कौन सा लीडर के पास गया था बनाने के लिए? अर्जुन सिंह जी इससे पहले बताइए आप किसका पास गया था सीपीएम का टाइम में भूख को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए? कौन लीडर था? अर्जुन सिंह जी पहले एक आंसर दीजिए, आप भूख सीपीएम का टाइम में किसका दरवाजा खड़ा रहते थे? किसका दरवाजे का पास हाथ जोड़कर खड़ा रहते थे? ये पहले बताइए किसका सामने आप हाथ जोड़कर खड़ा रहते थे जब सीपीएम आपका ऊपर टक्कर करते थे, जब किसानों को टक्कर करते थे? कौन सा लीडर है जिसका दरवाजे का बाहर आप हाथ जोड़कर खड़ा रहते थे? ये पहले बताइए अर्जुन सिंह जी, ये तो अपना आप पहले बताइए कौन सा लीडर था जिसका दरवाजा का सामने आप हाथ जोड़कर खड़ा रहते थे? सोमनाथ रॉय जी, ऐसे तो आप किसी की बात पूरी नहीं होने देंगे। आपको तो पूरा मौका मैंने दिया था, उसी वक्त सवाल पूछ लेना चाहिए था। एक एक करके जितने गेस्ट के सवाल है उन सबका जवाब मुझे लेना होगा ना। लौटूंगी आपके पास, एक अहम खबर इस वक्त की मिल रही है, एक बड़ी खबर मिल रही है दर्शकों को। पहले वो खबर बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा पश्चिम बंगाल के अंदर और उससे टीएमसी बौखलाई में दिखाई दे रही है। बड़ी खबर, शंखनाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से टीएमसी बौखलाई दिख रही है। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने बीजेपी अध्यक्ष को अपशब्द कहा है, बड़ी खबर। और क्या कहा है उन्होंने, जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसे हम दिखा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। ये बौखलाहट इस वक्त दिखाई दी है। रॉय साहब, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को तो आप संभाल करके रख नहीं पाते हैं, आप बात कर रहे हैं किसानों की। कैसे संभाल करके रखूंगा, ये तो नेता बनाया था ना अर्जुन सिंह को, देखा ना क्या क्या भाग किया सीबीआई ईडी का दर्द से, सुरेंद्र अधिकारी को देखा ना, कैसे संभाल पाऊंगा? ये बीजेपी वाले बैठा है ना इन लोगों को लेने के लिए, तो हम लोग कैसे संभाल पाऊंगा मैडम? हमारा बहुत प्रॉब्लम होता है ईडी सीबीआई लेकर ना, ये लोग ऐसे खेल खेल रहा है कि हमारा लीडर को संभालना बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है मैडम। आप सही बोला है, हम लोग संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा अर्जुन सिंह जैसे लीडर भाग गया, मुकुल जैसे लीडर भाग गया, पवन चरण जैसे लीडर भाग गया, चौथा सचिव जैसे लीडर भाग गया, मैडम जा रहा है कैसे संभाल पाऊंगा आप बताइए। सर ये सब बताने में तो आपको दुख होना चाहिए था, आपको दुख होना चाहिए था कि आपकी पार्टी के अंदर आपके कार्यकर्ताओं का, आपके नेताओं का भरोसा नहीं है। आप तो खुश होकर के बता रहे हैं, ऐसे ही जनता आपको नकार देगी। लक्ष्मी रतन शुक्ला वैशाली डालमिया के लिए आप क्या कहेंगे, किस ओर रुख किया है उन्होंने, किधर रुख किया है? मैडम बता रहा हूँ, हमको मौका दीजिए। 2011 में ये लोग सर आपको लगातार मौका दे रहे हैं, एक घंटा आपको मौका दे क्या? ये दोनों ने कहा का रुख किया है, किधर गए? एक घंटा आपको मौका दे, आपके लंपटबाजी सुनने के लिए एक घंटा आपको मौका दे। दत्ता साहब बोलिए।
यहाँ पे मैं सुन रहा था टीएमसी के कार्यकर्ता को उल्टा सीधा बकवास कर रहे थे। सवाल यहाँ पे ये आता है ना, किसने बचाया था जब बाम फ्रंट का पूरा लाल रक्त हो रहा था नंदीग्राम और सिंगूर में? यही भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज जी और आडवाणी जी। नीता एक जगह है नंदीग्राम के पास जहाँ पे ममता बनर्जी खत्म कर दिया जाता था बाम फ्रंट के पुलिस प्रशासन के माध्यम से, यही लोग जाके बचाए थे। भूल गए भवानीपुर के अनशन? भवानीपुर पे अनशन पे जब ममता बनर्जी बैठी थी उस समय शरबत पिला के किसने अनशन तोड़वाया था? उस समय के विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने अनशन तोड़वाया था। आज एनडीए के सुरक्षा कवच के अंदर तो ममता बनर्जी अपना राजनीति शुरू की है। अरे क्या बकवास बातें करते हो आप लोग, गिरिबान में झांक के देखो खुद क्या हो। दागाबाज एक नंबर का आपकी पार्टी के नेत्री है, दागाबाज आपके तृणमूल कांग्रेस है, दागाबाज आप लोगों ने बंगाल के साथ जनता के साथ किया है। कूतर घोड़े घोड़े सरकार, मैं कहता हूँ घोड़े घोड़े सरकार, गोली गोली ते बेरोजगार, घोड़े घोड़े बेरोजगार। इसलिए नड्डा जी को एक मुट्ठी चाल लेना पड़ा है आज के डेट में। एक मुट्ठी चाल के पीछे भी ऐतिहासिक कारण है। बंगाल में जब दुर्भिक्ष हुआ था ना, जब फैमिन हुआ था 1944 में, उस समय बंगाल के जन जन कह रहे थे कि एक मुठो धान दे मां। बंगाल में आज जिस तरह का भुखमरी है, कुशासन है, कुपोषण है, भाजपा मुख्य विपक्ष होने के नाते दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था एक मुठी चाल लेने के सिवा। अरे पढ़ के आइए आप लोग, जैसे जिसको पता पता नहीं है, कौवा की तरह आप लोग चिल्लाते हैं, पढ़ के आइए पहले, तथ्यों के आधार पे बात कीजिएगा। पहले पहले जवाब दीजिए, ममता बनर्जी जो टीएमसी की नेत्री है उनको किसने बचाया था नंदीग्राम में, उनको किसने बचाया था चिंगूर में, जरा बताइए। ये बात उस समय तो गए थे हाथ जोड़ के विनती किए थे आडवाणी जी के पास, राजनाथ जी के पास, सुषमा जी के पास कि हमें बचा लो, मेरा कत्लेआम कर देगा बाम फ्रंट, मुझे खत्म कर देगा। लोकसभा में झूठा कहानी लिखी थी ये कहते हुए कि मेरा हाथ को बाम फ्रंट ने तोड़ दिया, हाथ को मेरा बाम फ्रंट ने तोड़ दिया, कमर में लाठी मारी है। अरे जरा गिरिबान में झांक के देखो, गुंडा नीति, तानाशाही, रोहिंगा नीति के साथ कुछ और नहीं है आपके पार्टी का। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये टीएमसी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस नहीं है, ये तानाशाही मौत कांग्रेस है आपकी पार्टी। आपका सिर्फ एक नीति है, ओपार बांग्ला से आओ, रोहिंगा आओ, बसो, वोटर आई कार्ड लो, रेशन कार्ड लो। मुझे लग रहा है विवेक श्रीवास्तव दत्ता साहब को कुछ जवाब दे रहे हैं क्योंकि बीच-बीच में उनकी भी आवाज आ रही है। विवेक श्रीवास्तव बनर्जी मुमताज बनू का यही नीति है और इसीलिए आप लोग गड्ढे में जा रहे हैं और बिल्कुल खाई में जा रहे हैं। ज्यादा दिन और बचा हुआ नहीं है, 4-5 महीना है, बंगाल के खाई में बंगाल के जनता आप लोगों को तरी पार कर देंगे, देखते जाइए होता क्या है आगे जाके। दत्ता साहब मुझे लग रहा है भविष्य वक्ता भी है, इसके सिवा खुशी भी है साथ के साथ मुझे लग रहा है। नहीं पाए आप लोग बंगाल में, कौन सा मुठ्ठा की बात करते हो आप? प्रेम कुमार जी आओ पहले, देखिए भविष्यवाणी हो चुकी है आज की तारीख में, 9 जनवरी को दत्ता साहब ने भविष्यवाणी कर दी। प्रेम जी, जी जी, दत्ता साहब एक बात महत्वपूर्ण कर रहे थे कि ममता बनर्जी जब एनडीए में थी तो उनकी वो कैसी तरह से झूठ बोल रही थी कि उनके हाथ टूट गए, कि उनके पैर में चोट लग गई, ये बात बता रहे थे। दरअसल ये कल्चर का मामला है, ये एनडीए में दोनों रहे हैं, लोकसभा का फुटेज जाके देख लीजिए, उस समय का आपको पता चल जाएगा। ममता बीसी से ज्यादा झूठा तो कोई है नहीं आज के डेट में दुनिया में, सुबह से लेके और झूठ बताइए, झूठ जो जेपी नड्डा जी मशहूर गा रहे हैं और ममता दीदी के किसी बात के पियादे हैं, सुबह से शाम तक पूरा देश का मशहूर मीडिया जेपी नड्डा को दिखाया नहीं है, उन्होंने कौन सा क्रांतिकारी काम कर दिया, पंचायत की रैली को पहले शुरू से लेके लास्ट तक दिखाया गया नीति देश में, जगह जगह बलात्कार की घटना हो रही है, मंदिर में बलात्कार हो रहे हैं, झारखंड में सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, एक झारखंड में ऐसी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार है झारखंड में। आप जाके बोलिए नड्डा के मुख्यमंत्री को, जेपी नड्डा में जाके बोलिए कि वहां की महिलाओं पर सुरक्षा दे, पूछना चाहती है अपने आप को लटका ले, जरा जाके बोलिए झारखंड के मुख्यमंत्री को आपकी सरकार है वहां पे, या तो फिर आप अपने राहुल बारा को जाके बोलिए जो मिलान में बैठे हुए हैं,
पता नहीं वहां पे क्या कर रहे हैं, किसानों की हितों की बात करते हैं आप लोग। यूपीए सरकार के दौरान 10 साल के सरकार के दौरान 1,40,000 किसान मौत के। चटर्जी साहब आप बताइए ना क्या क्वालिटी आंकड़ा कह रहा है, क्या आप पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को छोड़ देंगे? पूछिए बीजेपी नेता से क्या जरूरत है हर दिन में आपको पोलराइजेशन करने की, आज क्या आवश्यकता है? कांग्रेस ने सिखाया है माइनॉरिटी अपीसमेंट पूरे देश में, कांग्रेस ने जवाब दीजिए सर, कांग्रेस ने ये नीति पूरे देश में फैलाई है। लोग इनको इनको इनकी पार्टी बैठाती है, इनको तनख्वाह मिलता है, इनको मालूम नहीं झारखंड में किनके पास किसके सरकार है। अब झारखंड का दोस्त भी भारत सरकार, झारखंड में आप मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, मित्र विपक्ष की। अगर झारखंड में आज चुनाव होता तो बलात्कार की घटना पर इस तरह से बीजेपी बैठी नहीं रहती, एक चप्पल उछलता है कैलाश विजयवर्गीय पर बंगाल में तो हंगामा खड़ा कर देते हो, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और झारखंड में चुनाव नहीं है तो वहां बलात्कार हो जाता है, लेकिन बीजेपी मित्र विपक्ष की भूमिका में बैठी हुई है। ये मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे राजनीति समझाएंगे कि किस प्रदेश में किसकी सरकार है और किस प्रदेश में नहीं है? अरे अपने गिरेबान में जाको, जहां चुनाव होता है वहां चप्पल उछलने पर राजनीति होती है, और एक तरफ बच्ची के साथ में ये विभत्स रूप में रेप होता है, रेप में इनोवेशन कर रहे हैं क्रिमिनल्स, और बैठा हुआ है बैठी हुई है बीजेपी, शर्म नहीं आती है ये बात कहते हुए? ठीक है प्रेम कुमार जी, सुन तो लीजिए ना, ऐसे चिल्लाने से तो किसी की आवाज भी नहीं पहुंचेगी दर्शकों तक। चिल्ला कौन रहा है, कौन गलत बात बोल रहा है? आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब आप देने देंगे, भाषण तो नहीं चल रहा ना यहाँ पर। अब आपने सवाल पूछ लिया, खामोश हो जाइए, जवाब लीजिए। अब आप ये गलत बोल रहे हैं, मैं टोक रहा हूँ। अर्जुन सिंह जी जवाब दीजिए सर, आप भाषण मत दीजिए, सवाल पूछिए अर्जुन सिंह जी। देखिए मैडम, ये लोग कुछ लोग ऐसे हैं, इनको देश का भला अच्छा नहीं लगता है, इनको भला अच्छा लगता है कि कैसे देश के खिलाफ बात करें, दूसरे देश में जाकर देश के खिलाफ बात करें। चाइना इनके लिए अच्छा है, कुछ नहीं है बोलने के लिए, पश्चिम बंगाल की सियासत के बारे में भी कुछ नहीं है बोलने। अरे चुप रहिए, बंगाल के देश के बारे में, देश को जिस तरीके से देश में आज आप ही के मुताबिक देश में गद्दार भरे हैं, खालिस्तानी भरे हैं, चाइनीज भरे हैं, पाकिस्तानी भरे, आपने क्या बना दिया देश को, क्या बना दिया अपने देश को? फालतू की बातें करते हैं। कॉलेज में आज जो टेट परीक्षा जो लोग पास किए उनको डंडा मारती है, उनको नौकरी नहीं देते, 5.5 लाख वैकेंसी पड़ा हुआ है सरकार का। जरा योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए, आज पैरा टीचर योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी से देश में पूछिए, प्रेम कुमार जी अर्थव्यवस्था, प्रेम कुमार जी शांत हो जाइए। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऊपर चर्चा करने के लिए तो आपको नहीं बुलाया था, अगर आप आरोप सामने वाले के ऊपर लगा रहे हैं तो आप खुद भी देखिए ना कि आप पश्चिम बंगाल के ऊपर कितना बोल रहे हैं। रमनीश वत्स का मैं अभी तक रुख नहीं कर पाई हूँ, रमनीश जी को मुझे लाना है, ठीक है अर्जुन सिंह जी, अर्जुन जी लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। टीएमसी के ऊपर चर्चा हो रही है, पश्चिम बंगाल के ऊपर चर्चा हो रही है, जेपी नड्डा के इस रोड शो के ऊपर चर्चा हो रही है, मुझे लगता है उसी के ऊपर आप लोग अगर बने रहे तो फिर ठीक है। रमनीश वत्स आपका रुख कर रही हूँ, आज से लेकर के 24 तारीख तक चावल इकट्ठा किया जाएगा एक एक मुट्ठी, और फिर उसके बाद खिचड़ी बना करके वितरण किया जाएगा किसानों के अंदर, इस खिचड़ी का तड़का क्या रहने वाला है? सालनी जी, ये जो अभियान आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से, खास करके जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जो जेपी नड्डा साहब जो ये कर रहे हैं, ये अभियान जो है इसकी शुरुआत देखिए आज से नहीं, इसकी शुरुआत हमारे पूर्वजों ने की है, और ये बहुत ही सुखद और सफल प्रयास है हमारा और खास करके बीजेपी का, और ये जन जन को जोड़ने का बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं सबसे पहले जवाब देना चाहता हूँ लेफ्ट के नेताओं को, और यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव जो लेफ्ट के समर्थक बैठे हुए हैं उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि एक अंग्रेजी में कहावत है, वेयर देयर इज लेफ्ट, वेयर देर इज लेफ्ट देर इज नथिंग लेफ्ट। यही शुरुआत में इसकी बात में इसलिए मैं बता रहा हूं, ये कहावत है कि जहां जहां लेफ्ट की सरकार रही है वहां पे किसानों की जो दशा है वो दुर्दशा में तब्दील हो गई है। और आज टीएमसी ने क्या किया, आज 10 साल की जो सरकार थी टीएमसी में क्या किया, आज जो प्रेम कुमार हिमायती बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये कांग्रेस के बारे में जो बता रहे हैं, टीएमसी के बारे में बता रहे हैं, यूपी में कभी चले जाते कहीं और चले जाते, पश्चिम बंगाल की जो दशा जो है,
पश्चिम बंगाल की जो दशा हुई है आज इसको सुधार क्यों नहीं की ममता सरकार ने? आज तक क्या किया? आज हजारों कार्यकर्ता जा रहे हैं, आज इनके सांसद चले जाते हैं, इनके विधायक चले जाते हैं, इनके आप देखिए कि आप रक्त रंजित राजनीति, इन्होंने देखा कि ऐसे तो जा रही है तो अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए इन्होंने क्या किया कि रक्त रंजित रक्त चरित का खेल करना शुरू किया। बीजेपी के अब तक 300 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, क्या इसके खिलाफ कोई अवार्ड वापसी गैंग आ रहा है क्या? मैं पूछ लेती हूँ सोमनाथ रॉय, आम लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया, ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया और इसीलिए पश्चिम बंगाल की हालत है, जवाब दीजिए। इसकी हालत करने वाले टीएमसी है, इसकी हालत करने वामपंथी है, 34 साल की सरकार थी इनकी, क्या किया आज तक इन्होंने? जवाब दे सकते हैं ये? 34 साल की सरकार थी। मैंने पूछा है रमनीश वत्स, आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ, सुनिए। 2011 का बाद 2011 जब आया था वोट परसेंटेज देखिए 2014 में ज्यादा हुआ, 2014 में इलेक्शन के 2016 देखिए वोट परसेंटेज ज्यादा हुआ, 2016 से 2019 लॉटरी में एक बड़ी खबर मेरे पास है, एक बड़ी खबर सोमनाथ जी, और लौटने के बाद आपको मैं ये भी बता दूंगी कि जरा 2019 के लोकसभा चुनाव में कैसे आपका जनाधार लुढ़का। लेकिन बड़ी खबर शंखनाद में, गृहमंत्री अमित शाह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ मुलाकात आज रही, गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर ये मुलाकात हुई, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा इसमें हुई है। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, गृहमंत्री को प्रदेश के हालात की जानकारी जगदीप धनखड़ ने यहाँ पर पहुंच करके दी है। देखिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अमित शाह से मिलने दिल्ली आते हैं और जेपी नड्डा दिल्ली से पश्चिम बंगाल जाते हैं, उनका लगातार रोड शो अभी चल रहा है, तस्वीरें भी आप देख लीजिए। जगदीप धनखड़ और अमित शाह की जो मुलाकात हुई उसमें बताया यही जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो मौजूदा हालात है, जो कानून व्यवस्था है, उसी के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई और कुछ ही वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और क्या कुछ जगदीप धनखड़ उसमें कहते हैं वो आपको जरूर हम बताएंगे। लेकिन अर्जुन सिंह जी, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, पश्चिम कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या सर? देखिए बंगाल में सही मानों में लॉ एंड ऑर्डर बोल के कुछ रह नहीं गया है, यहाँ पुलिस एकदम पार्टी के हिसाब से काम करती है, आए दिन कार्यकर्ताओं को जो दुख होता है वो आपको बताया, मैंने आपसे खुद टीवी का सामने बोला है, दिमागी हालत जिसका ठीक नहीं है उसको उठा के एनडीपीएस दे दिया जाता है, क्यों क्यों भारतीय जनता पार्टी का झंडा क्यों गाड़ा? अगर टीवी में आ गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई पोस्ट करता है तो उसको, अगर पत्रकार है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इस कदर खत्म हो चुका है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन के सिवा मैं रोक रही हूँ आपको, मैं रोक रही हूँ अर्जुन सिंह जी, जगदीप धनखड़ ऐसा कुछ कह रहे हैं, सुनते पहले उन्हें। Meeting with the Union Home Minister, and I am grateful that was accorded immediately. The meeting was scheduled in the pre-noon session, but on account of some preoccupations, it had to be postponed in the afternoon. I have had an involved interaction with the Union Home Minister, Amit Shah ji, for over 75 minutes today. In the state of West Bengal, 2021 is a very challenging year for the state of West Bengal as it goes for assembly polls. It is a great opportunity for the state of West Bengal to engage into changeover and makeover of image, as so far, unfortunately, elections in the state of West Bengal have been plagued with rampant violence, compromising basic right of voters, and deeply committed role of bureaucracy and police. It is time for us
to set an example by engaging into best practices so that every voter is in a position to freely, fairly express his franchise in a peaceful atmosphere where violence has no role. The entire scenario of 2018 panchayat elections and 2019 Lok Sabha elections, where every phase was attended by violent activities, those kind of scenes shame democracy. They are against constitutional spirit and distance from rule of law. I have been continuously appealing to everyone in the state that all of us have to act in togetherness to secure free, fair, fearless poll, shun of violence, in which public servants engage in public duty. ये इसका ऑडिट कराओ।
सुन रहे थे जेपी नड्डा को, साफ साफ उन्होंने कहा कि हम बाहर वाले नहीं है, हम भीतर वाले हैं। जय श्री राम का नारा भी आपने सुना। और इसी तरह से पश्चिम बंगाल फतेह की तैयारी है। शंकरनाथ में मेरे साथ जितने भी मेहमान जुड़े आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। साजिश बेनकाब, आंदोलन या दिल्ली पर कब्जे की साजिश, शाम 5:54 पर देश को जवाब दो मेरे साथ। अर्जुन सिंह जी, पहला सवाल ये है कि जगदीप धनखड़ को अभी हम सुन भी रहे थे, 2018 के पंचायत चुनाव की उन्होंने बात की, 2019 के लोकसभा इलेक्शन की उन्होंने बात की। सवाल ये है कि क्या बंगाल में अब संविधान नहीं बचा है, क्या राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र समाधान है? क्योंकि देखिए अब हिंसा भी यहाँ चरम पर है और दीदी भी मनमानी करती हुई नजर आ रही है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? क्या राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है क्या? देखिए, दीदी कानून नहीं मानती है, उनका अपना कानून चलता है, उनका सब कानून उनके से शुरू होता है, उनके साथ ही खत्म होता है। अगर कोई भी आदमी प्रतिवाद में कोई आंदोलन करता है, उसको डंडे से पुलिस पीटती है, उसको अरेस्ट करती है। खून का ये हालत है कि कल आप पिछले रात को देखे होंगे कि अपराधी खुलेआम मन जैसे ब्रस्ट फायरिंग होता है, उस तरह से छत पर चढ़ के गोली चला रहे हैं और नीचे से लोग दो लोगों को गोली मार दी। और कलकत्ता, एकदम मेन कलकत्ता में गांव की हालत यह है कि मार के फेंक दिया जाता है, तीन तीन बार दिन के बाद लाश मिलता है।
और लॉ एंड ऑर्डर इस कदर खराब हो चुका है कि पुलिस के जानकारी में सब कुछ हो रहा है। तो आप किस पर भरोसा करके आप चुनाव लड़ेंगे? पुलिस वाले अगर सुरक्षा नहीं देंगे, पुलिस वाले अगर लोगों के पास खड़े नहीं होंगे, उनको उनको उल्टे उनको दूसरे पार्टी के सरकारी पार्टी के होने के विरोध होने के नाते उन पर केस कर देंगे, तो बंगाल में चुनाव निष्पक्ष संभव नहीं है, जो कि अब सामने दिख रहा है। इसीलिए राजपूत शासन यहाँ बहुत ही जरूरी है। बिना राजपूत शासन का लोग अपना वोट नहीं दे पाएंगे, ये एकदम ध्रुव सत्य है। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई 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 आदमी इसको लिए जबरदस्ती कुछ कर रहा है, अपना डिमांड कर रहा है, ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर बंगाल के गांव में जाएं, तो छोटे छोटे शहरों में जाएं, तो आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से लोग परेशान हैं। इसके अलावा सर, टीएमसी के बागी नेताओं ने यह कहा है कि विधानसभा सत्र में फ्लो टेस्ट कराया जाना चाहिए, 14 तारीख के बाद सुनामी आने वाली है, ये भी अर्जुन सिंह ने कहा है। तो क्या टीएमसी खाली होने वाली है? और फ्लो टेस्ट अगर हुआ, सबसे पहली बात तो बीजेपी क्या इसकी मांग करेगी, और अगर हुआ तो टीएमसी असफल रहेगी? देखिए, जिस तरह से लोग उस पार्टी को छोड़कर पलायन कर रहे हैं, लोग हट रहे हैं, लोगों को काम करने नहीं दिया जाता, मंत्रियों को फाइल पर सही करने नहीं दिया जाता है, मंत्री यहाँ तक कि विधायकों जो उस पार्टी में विधायक है उसके बाद भी उनको झूठे मुकदमे में फंसाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी कई जिलों में एकदम टूट कर बिखर चुकी है। आपको मिदनापुर दोनों, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और पूर्व, सारे पूर्व और पश्चिम दोनों मिदनापुर, आपको उत्तर चौबीस परगना, दक्षिण चौबीस परगना, हावड़ा हुगली का जो क्षेत्र है, ये पूरा बर्दवान का, दोनों बर्दवान डिस्ट्रिक्ट पूरा टूट चुका है। और ये पार्टी सही मानों में अगर फ्लोर टेस्ट में मौका मिले तो ये संवैधानिक संकट में ये सरकार निश्चित रूप से आ जाएगी, जो कि सामने दिख रहा है, और ये सरकार नहीं रहना चाहिए, ये बात सही है। सर, ओवैसी को अगर पश्चिम बंगाल में हम कहें तो अभी तक देखिए सियासत के लिए तो उन्हें लैला कहा जाता रहा था, अब पीरजादा के बारे में भी खबर मिल रही है कि वो अलग अपनी पार्टी बनाने वाले हैं, चुनाव वो लड़ने वाले हैं, उम्मीदवार वो खड़े करेंगे। अगर सियासत के तौर पर हम देखें, खबर ये भी मिल रही है कि पीरजादा कांग्रेस से भी हाथ मिलाने वाले हैं, तो सियासत के दृष्टिकोण से हम देखें तो पीरजादा अगले क्या होने वाले हैं? देखिए, पीरजादा हों या ओवैसी जी हों, बंगाल में जिस तरह से मुसलमानों का भी इस सरकार ने शोषण किया है, ये दोनों के दोनों एक्टिव हुए हैं, खासकर हमारे पीरजादा जो हैं, इनके इनके जो प्रशंसक हैं, इन पर बहुत जुल्म हो रहा है, और वो बाध्य होकर ये राजनीतिक पार्टी में करके घोषणा किए हैं, और उनके ऊपर भी खुद हमला हो चुका है। ममता बनर्जी के लोग इस कदर बदमाशी पर उतर रहे हैं, गुंडागर्दी पर उतर रहे हैं, कि यहाँ कोई धार्मिक गुरु भी बचा नहीं है। और बंगाल में ओवैसी जी आए, ममता बनर्जी उनको बाहरी नहीं करती हैं, और नड्डा जी और प्रधानमंत्री बहिरागत हो जाते हैं, तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रशासन बंगाल में लाना चाहती है जो प्रशासन सिर्फ और सिर्फ उनके राजतंत्र, उनका जागीर तंत्र जो है चल रहा है। आंदोलन या दिल्ली पर कब्जे वाली साजिश, बॉर्डर पर जुटे टुकड़े गैंग के खिलाड़ी, देश को जवाब दो मेरे साथ शाम 5:54 पर। ममता के विरुद्ध बंग में बड़ा युद्ध, बीजेपी की मुट्ठी में बंगाल, वंदे मातरम मेरे साथ शाम 7:57 पर। दिल्ली में मई 2024 वाली साजिश, वो आते हैं और जहर बो जाते हैं। किसान की आड़ में आगे दंगाई, देखिए राष्ट्रवाद 8:57 पर मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ से हिंदुस्तान के सुपर प्राइम टाइम पर।